हैप्पी बेबीज एंड मामीज, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि एग्जैक्टली हम कैसे जाने कि अब हमारा बच्चा सॉलिड लेने के लिए बिल्कुल रेडी है। अगर एज वाइज मैं बात करूं तो सब यही आपसे कहते हैं, डॉक्टर से भी आप पूछेंगे तो वो यही सजेस्ट करेगा कि आइडियली बच्चों को 6 महीने के बाद ही कुछ सॉलिड या फिर लिक्विड फॉर्म में भी कुछ न्यू इंट्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चे 6 महीने से पहले ही कुछ ऐसे लक्षण शो करना शुरू कर देते हैं कि उस जिससे मतलब आपको लगता है कि हाँ अभी मेरा बच्चा कुछ भी सॉलिड लेने के लिए रेडी है। तो आखिर वो कौन कौन से लक्षण होते हैं और इनको चेक कैसे किया जाए जिसको देख करके हम ये पता लगा सके कि अब हमारा बच्चा कुछ भी सॉलिड या फिर कुछ भी न्यू फूड इंट्रोड्यूस करने के लिए बिल्कुल रेडी है। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि सारे बच्चों का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग, उनके जो माइलस्टोन्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। कोई बच्चा बहुत जल्दी बैठ जाता है, कोई थोड़ा लेट में बैठता है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि ये चीजें सारे बच्चों के ऊपर लागू होगी जो कि बहुत जल्दी खाना चाहते हैं। लेकिन कुछ ये ऐसे भी होते हैं जो 8-9 महीने तक भी सिर्फ दूध पे रहना पसंद करते हैं, वो खाना नहीं पसंद करते हैं। तो इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है क्योंकि दूध एक ऐसा एलिमेंट होता है फूड का जो कि बच्चों के न्यूट्रिशन वाइज सारी की सारी रिक्वायरमेंट को फिल कर सकता है उनके 1 ईयर तक की एज तक। लेकिन फिर भी हम इतना वेट नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो ऑलरेडी रेडी हो चुका होता है 6 मंथ तक। उनके एपेटाइट को और प्रोमिनेंट और डेवलप्ड करने के लिए हम ना कुछ उनके डाइट में फूड आइटम्स को इन्वॉल्व करते जाते हैं ताकि बच्चा भी खाने के लिए तैयार होता जाए। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि बच्चे 6 महीने से पहले ही चाहते हैं खाना, तो आखिर इन चीजों को कैसे चेक किया जाए? तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो ये है कि आप बच्चों को 4 महीने से पहले कुछ भी खाने को नहीं दे सकती है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा क्यूरियस है फूड को लेकर के तो 4 मंथ इज द मैक्सिमम एज जब आप उसको फूड स्टार्ट कर सकती है, अदरवाइज तो 6 मंथ तो सबसे बेस्ट है ही। ये जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से लक्षण है जिसको देख करके आप जान सकते हैं कि अब आपका बच्चा सॉलिड फूड लेने के लिए रेडी है अपने डाइट में। उससे पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। लाइक इसलिए ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं, शेयर इसलिए ताकि आपकी तरह सारे पेरेंट्स को ये इन्फॉर्मेशन इजिली मिल जाए। तो सबसे बेसिक और सबसे पहला लक्षण ये होता है कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, 2 या 3 महीने के होते हैं, तो वो हमेशा अपनी जीभ को इस तरीके से बाहर निकालते रहते हैं। ये इसलिए होता है ताकि बच्चे अगर मुंह में कोई चीज डाल ले या अगर कुछ उनके मुंह में चला जाए तो वो हर चीज को जीभ के थ्रू बाहर निकाल देते हैं। तो जब आप ये नोटिस करिए कि अब बच्चा अपनी जीभ को निकालना बाहर कम कर दिया है, तब आपका बच्चा रेडी है कुछ भी सॉलिड लेने के लिए। क्योंकि अगर वो अभी भी जीभ बाहर निकाल रहा है तो आप उसको कुछ भी खिलाएंगे तो वो बाहर ही निकाल देगा, तो कोई फायदा नहीं है इस केस में आपको उनकी डाइट में कुछ भी नया इंट्रोड्यूस करने का। सेकंड क्या होता है कि आपका बच्चे का वजन एट द टाइम ऑफ बर्थ जितना भी था उसका डबल हो चुका हो, मतलब अगर आपका बच्चा 2.5 किलो का पैदा हुआ था तो वो अब 5 किलो का हो चुका हो, या अगर 3 किलो का था तो अब 6 किलो का हो चुका हो। क्योंकि जब आप उसकी डाइट में कुछ नया चेंज करते हैं, दूध के अलावा कुछ और इंट्रोड्यूस करते हैं, तो ऑब्वियसली दूध का इंटेक वो कम कर देता है। इसको बचाने के लिए जब बच्चे का वजन डबल हो जाए डाइट में सॉलिड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। थर्ड चीज क्या होती है ध्यान रखने की कि आपका बच्चे की अब अपनी गर्दन को बिल्कुल आराम से अच्छे से होल्ड करना सीख चुका है, मतलब वो दाएं बाएं बिल्कुल आराम से देख सकता है। आप जब उससे बात करते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से गर्दन को हिलाकर रिस्पॉन्ड करता है, तो अब आपका बच्चा रेडी है। नेक्स्ट क्या है कि जब आपका बच्चा सीधा बैठना शुरू कर दिया है, जरूरी नहीं कि सारे बच्चे 6 महीने पे शुरू कर देते हैं बैठना, लेकिन अगर बैठना नहीं है तो आप उसको अपनी गोद में या चेयर पे या किसी भी सरफेस में जब आप उसको बैठाते हैं तो एटलीस्ट उसकी बैक स्ट्रेट रहती है। अगर ये भी आप नोटिस कर रहे हैं तो इट मीन्स कि नाउ इट इज टाइम टू गिव हिम सम सॉलिड फूड। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है खाने को देख करके। जब भी आप मतलब वो कुछ भी कर रहा हो, किसी भी चीज में इंगेज हो, फिर भी अगर वो कुछ भी खाने का देख लेता है तो उसका सारा का सारा कंसंट्रेशन सिर्फ खाने पे आ जाता है, तो इट मींस नाउ इट्स राइट टाइम टू गिव हिम सम सॉलिड फूड। लास्ट में जो सबसे बड़ा और सबसे मेजर रीजन है बच्चों को सॉलिड फूड देने का कि उसकी भूख बढ़ चुकी है, मतलब आप उसको दूध अभी पिलाएंगे फिर भी वो रोता जा रहा है, मतलब दूध देने के बाद भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही है, उसको बार बार और जल्दी जल्दी भूख लग जा रही है, तो इट मीन्स कि अब आप उसके लिए कुछ ना कुछ प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अब वो नहीं रह सकता बिना सॉलिड फूड के। और लास्ट का जो पॉइंट है वो जरूरी नहीं कि सारे बच्चे शो करते हैं, वो होता है चबाना। कभी कभी बच्चे चबाने के एक्सप्रेशन
इस तरह के एक्सप्रेशन देना स्टार्ट कर देते हैं, कभी कभी नहीं भी देते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट सबसे लास्ट में मैंने रखा है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि सारे बच्चे ये वाला लक्षण शो करें। तो बस ये थी सारी इन्फॉर्मेशन कि अब आपका बच्चा कब से खाना शुरू कर दे रहा है। अगर आपको भी ये सारे लक्षण दिख रहे हैं तो डेफिनेटली अब आपका बच्चा खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज लाइक और शेयर करिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस चैनल को। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी बेबीज, बाय बाय।